ओम शांति। ओम शांति। तो पहली बात, हमें अमृत वेले योग का संपूर्ण सुख लेना है। हम बहुत सारे पुरुषार्थ की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन यदि हमारा अमृत वेला ही मिस हो रहा है, बाबा की पहली आज्ञा ही मिस हो रही है, तो हम और क्या पुरुषार्थ करेंगे। हमारा आधार ही नहीं ठीक, बेसिक चीजें ही नहीं ठीक, तो हम और क्या करेंगे। क्या बाबा ने कभी अमृत वेला मिस किया? एक बार मनोहर दादी सुना रही थी कि बाबा के लिए डॉक्टर ने बोला कि दो चार दिन सुबह जल्दी जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो नहीं उठे, तबीयत के अनुसार अभी दो चार दिन बाबा को रेस्ट करना चाहिए। तो दादी आई बाबा के पास और बाबा को कहा, बाबा डॉक्टर ने खास मना किया है कि दो चार दिन आप आराम करें, हम लोग योग कर लेंगे। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा, बच्ची ये जिस्मानी डॉक्टर बोलता है कि सुबह सुबह सोए रहो, रूहानी डॉक्टर बोलता है सुबह सुबह उठो, तो मैं किस डॉक्टर की बात मानूं? इस जिस्मानी डॉक्टर की बात मानूं या रूहानी डॉक्टर की बात मानूं? कौन से डॉक्टर की बात मानना है? अच्छा। तो दादी ने कहा, हाँ बाबा आप रूहानी डॉक्टर की ही बात माने, लेकिन दो दिन के लिए इस जिस्मानी डॉक्टर की भी बात मान ले, खास उस डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया है। तो दादी ने कहा, अच्छा बच्चे पीछे पड़े हैं? तो बाबा ने कहा, ये बच्चे पीछे है। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चे मैं सोचता हूँ। लेकिन दूसरे दिन अमृत बेला हुआ तो फिर भी बाबा रजाई वजाई ओढ़ करके आगे। तो कहने का भाव ये है कि हमारा समान बनना है तो पहले इस बात में तो बाबा समान बन जाएं। कई बार हम सोते समय देखिए, एक चीज, यदि आपका संकल्प ढीला है तो आप नहीं उठ पाएंगे। कई बार हम सोचते, आज सारा दिन तो बहुत सेवा में बिजी रहे, अब कल तो हम नहीं उठ पाएंगे। तो आप नहीं उठ पाएंगे, आपकी नींद नहीं खुलेगी। लेकिन रात में सोने के पहले ये संकल्प किया, कुछ भी हो मुझे अमृत वेला करना ही है, पावरफुल योग की स्थिति का अनुभव करना है, तो आप अवश्य उठ जाएंगे।